बेटा शहजादा धूपे खेल रहा है। हाँ धूपे खेल रहे हो गंदे। ये देखें जोया ने अभी भी कपड़े गीले किए हैं और ये इस तरह नीचे बैठ जाती है, इस तरह चीज़ें चुन के खड़ी हो। उठो उठाओ आओ चरपाई पे बैठाओ। चलो 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 अब आप कपड़ों का हाल देखें, ये ब्लैक कपड़ों का। ये देखें आज जोया की दो पोनियाँ बनाई हैं। जोया बीबी मिले मिले चोनू, बड़े हो गए। हेलो बोलो सबको, बाय बाय करो, अल्लाह हाफिज करो सबको। जोरी अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आजकल व्लॉग्स तो आपको लेट लेट मिल ही रहे हैं। फातिमा इशारे कर रही है लाइक और शेयर भी। अभी अभी ज़ियाउल्लाह को फातिमा को ने लाया है क्योंकि सर्दियों में आपको पता है हफ्ते के हफ्ते नहाते हैं। फ्राइडे का तो मन के फ्राइडे को टाइम नहीं होगा तो आज ही इनको नहा देते हैं। दूसरी बात ये है कि इन दिनों टाइम नहीं मिल रहा मुझे, जहन थोड़ा सा पास जो बाहर गाड़ियों का शोर है तो आवाज़ नहीं आ रही होगी। भाई रोड साथ अटैच है ना, तो उसके लिए सॉरी, बड़ी सारी सॉरी। और दूसरी बात ये है, क्या बात कर रही थी पता नहीं, क्या कह रही थी मैं, हाँ ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ना करो पुत्र तो सारे कहेंगे बदतमीज़ है फातिमा हैं। तो ब्लॉग इसलिए नहीं बना रही क्योंकि मैं साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ और वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी जब कंप्लीट हो गया मेरा काम, जब इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने उसमें कामयाब किया मुझे, वो भी आपसे शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल हम बना रहे हैं पकौड़े। फातिमा कह रही है मम्मा पकौड़े बनाओ, हैं पकौड़े नई रेसिपी के पकोड़े बनाओ। ज़ियाउल्लाह कहते हैं नई रेसिपी के, वो उधर बैठा हुआ है, वो उससे भी अभी नहीं आई है। और नई रेसिपी कौन सी है ये हम किचन में जाके देखते हैं क्योंकि बाहर तो इधर ऐसा कोई, मैं भी अपनी मम्मा के साथ काम करूँगी। हाँ क्योंकि बाहर तो ऐसा कोई इंतजाम नहीं है कि मैं लकड़ियाँ लगाऊँ। दिल तो बहुत कर रहा था अब्दुल्ला, ज़ियाउल्लाह कहते हैं मम्मा लकड़ियों पर पकाते हैं, लेकिन इधर आपको पता है सारा फर्श जो है ये सारा पक्का है। कच्ची जगह यही है, सिर्फ ये कच्ची जगह है, लेकिन इसमें भी कोई इस तरह का बना नहीं सकते ना कि जगह बनाएं और फिर उसमें चूल्हा। पुराना हमारा घर जो था उसमें बड़ी अच्छी जगह थी। इंशाल्लाह बस दुआ किया करें, अल्लाह पाक रहम करे सब पे, तो मेरा भी फिर आप लोग को अच्छा अच्छा कंटेंट मिले। तो अभी किचन में चलते हैं और बनाते हैं पकौड़े शकोड़े स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी किचन में आ गए हम और सबसे पहले तो आग जलाई है मैंने क्योंकि साथ साथ कुकिंग भी कर रही थी, सब्जियां काटी हुई थी। ये वाली भी पकोड़ों के लिए गाजर आलू और प्याज मिक्स काटा हुआ था, बेसन अभी अभी मंगवाया था क्योंकि बेसन घर में अवेलेबल नहीं था। और बस जल्दी जल्दी से इनको मिक्स करके इसी प्लेट में बनाती हूँ और आपके साथ साथ शेयर भी करती हूँ। उसके साथ साथ सब्ज़ियाँ काटी हुई हैं आंडी के लिए भी, दूसरी चूल्हे पे हांडी बनाऊंगी और इस चूल्हे पे पकोड़े बनाऊंगी। अचानक से बच्चों ने कहा मम्मा थोड़े से पकोड़े बना के दें हमें न्यू रेसिपी के साथ, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी बना देते हैं। बस ये प्याज गाजर आलू एक जगह किए हैं और बेसन डाल दिया और नमक मिर्च डालूंगी और इनको अच्छी तरह से मिक्स 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 कर दूँगी। ये देखें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि इनमें ऐसे भी बेसन डालो तो थोड़ा थोड़ा मिक्स हो जाता है क्योंकि बच्चों को क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छे लगते हैं, मुझे नरम अच्छे लगते हैं क्योंकि मेरे दांतों में होता है पेन तो मैं क्रिस्पी खा नहीं सकती, बूढ़ी हो गई हूँ। तो ये देखिए ये पकोड़े रेडी हो रहे हैं बस अब। और इस तरफ मैंने आंडी के लिए प्याज टमाटर भून रही हूँ, कुकर में इसलिए बना रही हूँ कि कुकर में जल्दी बन जाती है। ये देखें कितने मज़े के क्रिस्पी क्रिस्पी से पकौड़े नज़र आ रहे हैं और साथ साथ आंडी को भी देख रही हूँ। सब्जियाँ काटी हुई थी आंडी के लिए, आंडी के लिए और इसके लिए साथ काट रही हूँ कि जल्दी जल्दी से काम ख़त्म हो क्योंकि बच्चों को भी काम करवाना होता है साथ में और भी घर के मसले मसाइल। हाउस वाइफ आपको पता है सारे दिन ही काम के साथ लगी रहती है, रात हो जाती है, रात से सुबह सुबह से शाम। साथ साथ चीज़ें इसमें हट रही थी, मैंने कहा नमक मिर्च के डब्बे जगह पर रख दूँ और साथ साथ हांडी में नमक मिर्चें डल रही हैं। तो बस सब्ज़ी में इस तरह बनाती होती हूँ आजकल। अच्छा बच्चों को ना खड़ी खड़ी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है कढ़ाई में बनी हुई, बच्चों को अच्छी भी नहीं लगती। एक तो टाइम सेविंग तरीका है और दूसरा ये है कि बच्चे खा लेते हैं खुश होकर, उन्हें गोभी अच्छी नहीं लगती इस तरह। तो जब कुकर में बनाती हूँ तो वो स्वैश सी हो जाती है तो उनको वैसी अच्छी लगती है। सिर्फ पकौड़े तकरीबन रेडी हो चुके हैं, इनको भी बस निकालती हूँ। इसमें फिर थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी अपनी सब्ज़ी में हम और इसको दे देंगे वेट के लिए। और ये लें पकौड़े हो चुके हैं रेडी, इनको निकाल लेती हूँ पहले। और इधर मिर्च के लिए मैं बना रही हूँ वो बेसन तैयार कर रही हूँ, ये दो मेरी बड़ी बड़ी सी मिर्चें हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस साथ साथ आप लोग देखें इंजॉय करें और जिस जिसने पकोड़े खाने हैं मेरे बहन भाई ने आ जाएं फटाफट से आएं और पकोड़े खाएं। आके आप लोगों ने बताना है आप लोग
चाय के साथ खाते हैं पकौड़े या ऐसे ही खाते हैं। चाय के साथ वैसे ज्यादा मजा आता है। ये देखिए कलर कितना मजे का कलर है। ये देखिए लुक भी बहुत अच्छी। क्या लुक अच्छी है और टेस्ट बहुत अच्छा है। चेक फातिमा ने चेक भी किया फिर आपको चेक करके बताती है। और मैंने तो मिर्च वाला खाया। ये देखिए बड़ी लगने वाली है लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट है। और पकौड़ा भी मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखें कितना मजे का है। ये देखें ये आपके लिए खाएं और ऐश उड़ाएं। बस मेरे ख्याल से मगरब होने वाली है। ऊपर से एक दफ़ा बता दो। बहन को दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट अच्छी सी प्यारी सी क्यूट सी वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक लाजमी करना है इसके साथ ही। लाइक करने 10 नहीं 100। हाँ अल्लाह हाफिज़।